हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो फाइनली तुम सब ने बोला कि भैया ग्रुपिंग के ऊपर वीडियो बना दो, हमें पता करना है कि क्या हम एमएसटी सीटी के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो चलो यार, आज की इस प्यारी सी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी चीजें बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो इसके बाद आपको कभी भी कोई भी डाउट ही नहीं रहने वाला है। और क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं एमएसटी सीटी देने से पहले, क्यों देना चाहिए, या देना है या नहीं भी देना है, नहीं देंगे तो चलेगा क्या, या फिर ग्रुपिंग क्या होता है, कितने परसेंटेज चाहिए 12वीं में, ये सब कुछ सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए यार, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो की। देखो यार, जैसे कि तुम सब जानते हो कि मैंने एक ये थंबनेल में डाल रखा है कि क्या आप एलिजिबल हो एमएसटी सीटी के लिए, क्या तुम एलिजिबल हो, पहले ये जानते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो ये डाउट होता है आधे से ज्यादा बच्चों को कि भैया एमएचटी सीटी होती क्या है, आधे लोगों को यही नहीं मालूम होता है। तो यार मैं सोचा कि चलो पहले ये बता देते हैं कि एमएचटी सीटी आखिर है क्या। देखो भाई, जैसे दुनिया में तुमको ना, तुमने जब 10वीं के बाद 12वीं में जाते हो तो तुम सबने साइंस ले लिया। अब जब तुमने साइंस ले लिया तो पूरे 2 साल साइंस ने तुम्हारी ले ली। अब जब तुमने साइंस ले लिया तो साइंस वाले बच्चों के लिए कुछ भी चीज आसान नहीं होती भाई। 12वीं के बाद डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है। अगर तुम्हें डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो छोटे छोटी डिग्रियां, जैसे कि बीएससी की डिग्री हो गई, जैसे कि और भी कोई, जैसे मान लो अगर तुम्हें बीबीए वगैरह भी कुछ लोग करते हैं, मतलब 12वीं साइंस के बाद बीबीए में पहुंच जाते हैं, एमबीए वगैरह करने चले जाते हैं, वो भी है। जैसे कि दूसरा है बीएससी सीएस है, आईटी है, तो ये सब में जो तुम्हें एडमिशन मिलेगा, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, इन सब में जो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। लेकिन जैसे बड़ी बड़ी डिग्रियां है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इन सब में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब जैसे कि बी फार्मा है ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी है, इन सब में आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर है, इसके लिए भी आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ता है ना, एग्रीकल्चर में, तो इन सब के लिए आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, ठीक है। इनमें आप लोग को बिना किसी एंट्रेंस के आप कभी भी एडमिशन नहीं ले सकते। हाँ, बीटेक वगैरह में सीटी के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता, प्राइवेट कॉलेज है तो वो तुम्हारा बात की बात है, गवर्नमेंट में नहीं होता है, उसके लिए जेई का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। और अगर डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम ही देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तो ध्यान देना। तो सीटी का जो एग्जाम होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस है, 12वीं का 80% सिलेबस आता है और 11वीं का 20% सिलेबस होता है। जो सीटी है ये 200 मार्क्स की होती है, इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीबी। जिस बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है वही बच्चा इंजीनियरिंग वाला एग्जाम दे सकता है, वही बंदा इंजीनियर बन सकता है, जैसे कि वो बीई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, बीई में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं कि आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीई कौन से फील्ड से करनी है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करनी है, या फिर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, या फिर किस और फील्ड का, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करनी है, किस फील्ड में करनी है, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमने पीसीबी लिया है, हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है, तो क्या हम पीसीएम का एग्जाम दे सकते हैं। भाई तुम लोग के पास जब मैथ्स सही नहीं तो तुम कैसे एग्जाम दे पाओगे, पास कैसे करोगे। मैथ्स यहां पर 100 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का होता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो 50-50 मार्क्स का होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, बट कैसे दे पाओगे। पीसीबी में ऐसे ही बायोलॉजी 100 मार्क्स का होता है और जो पीसी रहेगा वो 50-50 मार्क्स का होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये एंट्रेंस एग्जाम है। गवर्नमेंट ने इसका फिक्स डेट निकाल दिया है, 9 मई को आपका पेपर शुरू हो जाएगा। अब किसी को 10 मई को रहेगा, किसी का पेपर 15 मई को रहेगा, किसी का पेपर 20-21 मई को रहेगा, इस हिसाब से सभी की डेट अलग अलग आएगी, लेकिन 9 मई से पेपर शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया एमएसटी सीटी एंट्रेंस एग्जाम है। ये कौन सा एग्जाम है बच्चों, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, ध्यान में रहेगी बातें। मैंने मोटा मोटी सारी चीजें आपको बता दी। अब अगर जैसे कि तुम बोलोगे भैया मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मैं क्या करूं,
तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, एक तो रास्ता है सिर्फ जेई कर ले बेटा, एक रास्ता है तू सीटी का एग्जाम दे ले, इसके अलावा कोई तेरे पास रास्ता नहीं है। ठीक है, मतलब अगर डिग्री लेकर के अच्छे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, वरना लोग तो डिग्री भी नहीं लेते हैं, खुद से ही जावा पाइथन C++ C#, HTML, वेब डेवलपमेंट जो उसी के अंदर है CSS वगैरह, देन मशीन लर्निंग रोबोटिक्स ये सब कुछ खुद से पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे कि मैं भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूं तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अब जेई एग्जाम निकाल पाना नेशनल लेवल में अलग बात है, सीटी महाराष्ट्र लेवल में होती है। ठीक है, तो अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, टॉप कॉलेजेस बोले तो कौन कौन से, जैसे कि COEP कॉलेज है, VJTI कॉलेज है, फिर इसके बाद सुमैया कॉलेज है, अभी देखो मैं सुमैया कॉलेज से ही था, ठीक है सुमैया कॉलेज है, देन उसके बाद आप लोग जैसे कि एक रामदेव बाबा कॉलेज है, फिर ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं यार। अगर आप लोग को टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन याद रखना इन सब में एडमिशन पाना है तो कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं जिसमें आपको 160 के नीचे एडमिशन मिल जाए, तो 160 प्लस आपको 200 में से लाना ही पड़ेगा चाहे। और इसमें PCM बैकग्राउंड के ही बच्चे एडमिशन ज्यादातर लेते हैं जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना होता है। इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, इसी का कट ऑफ सबसे ज्यादा है। अब जैसे कि COEP कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना जो कि पुणे में है, तो बच्चे पढ़ने आते हैं कहीं से भी भाई, इतने बड़ा कॉलेज मिल जाए तो चाहे तुम नागपुर में रहो कहीं से पढ़ने आ जाना भैया, छोड़ना मत, लड़की रहे लड़का रहे ये नहीं सोचने का दूर जाऊंगा पढ़ने, भाई ये कॉलेज मिल गया ना भाई तेरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरे जीवन भर में तेरे 7 पुस्तों ने जितना नहीं कमाया होगा तू कमा के दे देगा। ध्यान रखना 30-35 लाख का पैकेज मिलता है, पिछले साल 2 साल गए हाईएस्ट पैकेज 64 लाख का लगा था, सोच लो 64 लाख रुपए, समझता है क्या होता है बच्चा पार्टी, 64 लाख रुपीज, समझता है क्या साल भर में महीने का कितना होता है मालूम है क्या, सोच लेना 6 लाख के आसपास होता है महीने का, तो बड़ी चीजें होती हैं। COEP कॉलेज में एक बात का ख्याल रखना, अब जैसे कि मान लो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है तो आपका कट ऑफ 160-170 के ऊपर रहेगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, वहीं अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे तो आपको कम में हो जाएगा, 150 प्लस में एडमिशन मिल जाएगा। COEP में अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो 150 के आसपास, मतलब अब ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं ये बदलता भी है, चेंज भी होता है, जिस साल ज्यादा बच्चे रहेंगे तो कट ऑफ ज्यादा हो जाता है, कम रहेंगे कम हो जाता है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि इस साल कितने बच्चे अच्छा मार्क्स निकालते हैं। अभी मान लो कि इस साल के पेपर में सब बच्चों ने 160 प्लस निकाल दिया तो सब बच्चों को थोड़ी COEP मिल जाएगा, फिर वो 190 प्लस पे लेगा, समझ में आएगा नहीं, 195 प्लस पे लेगा, कट ऑफ ऐसे ही बदल जाता है। तो मैं कुछ बता रहा हूं इस साल, तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ कभी भी कुछ भी बदल सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सुमैया कॉलेज का ही 160 प्लस रहता है, COEP का तो 170-180 प्लस भी जाता है भाई। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो क्लियर हो गई बातें, जेई निकाल सको तो भी एडमिशन बढ़िया, जेई निकालोगे तो फिर बीटेक करने मिलेगा, बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, सीटी निकालोगे तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मिलेगा, दोनों का लेवल ठीक ठाक सेम सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस नहीं होता, चीजें पढ़ाई सेम होती हैं, पैकेज भी अच्छा खासा लोग निकाल ही लेते हैं। हाँ, लेकिन जेई में हो तो करोड़ों में भी पैकेज मिलने के चांसेस होते हैं, सीटी में हो तो 50-60 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज तो आराम से मिलता है। एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर जेई नहीं मिला तो सीटी तो करना ही चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो इस बात को क्लियर कट रख लो भाई कि 12वीं के बाद अगर इंजीनियर बनना है तो सीटी का एग्जाम देना पड़ता है, वरना नहीं दे पाओगे, सीटी अगर क्रैक नहीं कर पाओगे तो चीजों में फंस जाओगे, इस बात को आपको अपने माइंड में बिठा के रखनी है, अभी से क्लियर कट कर लो। और सीटी की पेपर 9 मई से शुरू हो जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब बच्चों के मन में सवाल ये आता है कि भैया क्या हम एलिजिबल हैं सीटी के लिए, बोलो भाई यहां तक वीडियो में मजा आया कि नहीं आया, अगर यहां तक वीडियो में मजा आया है तो एक बार फटाक से लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट बॉक्स में बता दो कि भैया वीडियो कैसा लगा, एकदम मजा आ गया। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, देखो तो अपने इंडिया के अंदर दो तरीके के लोग हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दो तरीके में डिवाइड कर दिया है, एक होते हैं ओपन कास्ट के लोग, एक होते हैं रिजर्व कास्ट के लोग, हालांकि ये बायफर्केशन अच्छी चीज है, सभी को अपना अधिकार है। ओपन कास्ट के लोगों के लिए 45% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी तुम्हारे को पेपर देना होगा उनको चाहिए रहेंगे, 40% तुम्हें जो बच्चा चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का मतलब होता है जो SC है
एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, या फिर और भी ओबीसी वगैरह को तो इतना नहीं है शायद, तो इन लोगों को ही है। बाकी ये थोड़ा लिस्ट देखनी पड़ेगी, अब ये तुम्हारे कॉलेज में बताएंगे या फिर तुम किस लिस्ट में आते हो मुझे कैसे पता रहेगा, ठीक है। तो पीसीएम रहे चाहे पीसीबी रहे, उसको इतना लाना पड़ेगा। अब इतना लाने का मतलब क्या है? अब जैसे कि देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो है, या चलो मैं मान लेता हूं कि मैथ्स बायो ना लेके मैं मैथ्स ले लेता हूं यहां पे, तो ये 100-100 मार्क्स के होते हैं। तो इनमें आपको, मैं ओपन कैटेगरी की ही अब सिर्फ बात करूंगा, 45% लाना है। सबसे मैक्सिमम मार्क्स उतने ही ना, 40 वाला तो आराम से निकाल लेगा, 50 लाओगे तो और अच्छी चीज है। तो 100 में से, जरा यहां पे ध्यान देना अच्छे से, तुम्हें हर एक पेपर के अंदर टोटल जब तुम मिलाओगे इन सब का, तुम्हें 135 के मार्क्स के आसपास चाहिए रहेंगे, तब जाके तुम्हारा 45% होता है। पीसीबी वालों के लिए 120 मार्क्स निकालने पड़ेंगे पूरे के पूरे 100-100 में से। मतलब अगर पीसीएम रहे चाहे पीसीबी रहे, 300 मार्क्स का पेपर तो होगा ही, 300 में से 120 निकालना है। यहां पर तुमको 300 में से 135 निकालना है, तुम सीईटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये फिलहाल महाराष्ट्र के लिए ध्यान रखना। क्लियर हो गई बातें आपके लिए, मैंने आपको बता दिया, क्लियर है? ओपन कास्ट के लड़के को या लड़की को पीसीएम पीसीबी जो भी, उसको एक कोई एग्जाम देना रहेगा, दोनों देगो तो अच्छी बात है। 45% चाहिए तो ही आप जाके कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। पीसीएम पीसीबी 40% रहेगा तो ले पाओगे। मतलब 45% होता कैसे, 300 में से 135 आएगा तो, यहाँ पे 120 मार्क्स आएगा तो 40% हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब एक बात छोटी सी बताता हूँ, सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स होगी। गवर्नमेंट ने क्या बोला इस बार कि जैसे कि मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, अब जैसे कि बच्चों मान लो फॉर एग्जांपल के लिए फिजिक्स और मैथ्स है, ये दोनों तो फिक्स है, लेकिन केमिस्ट्री के जगह में तुम थोड़े से चेंजेस कर सकते हो। केमिस्ट्री की जगह में तुम्हारा कंप्यूटर साइंस, या फिर किसी को मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होगा, या किसी का कुछ और भी पेपर हो सकता है, तो वो सारे पेपर में के भी मार्क्स निकाल लोगे। अब जैसे कि मान लो फिजिक्स में तुमने 35 मार्क्स ला लिया, एग्जैक्ट पास हो गए, मैथ्स में तुमने एग्जैक्ट 35 ला लिया, पास हो गए, तो टोटल अभी 70 हुआ। अभी कितना चाहिए? और अभी तुमको और चाहिए 30 और 65 मार्क्स चाहिए। अब मान लो तुमको सीएस है, तो सीएस वालों का पेपर 200 मार्क्स का होता है। अब 200 में से 100 तो प्रैक्टिकल के ही मिल जाएंगे, मतलब अगर प्रैक्टिकल नहीं भी है, 200 में से 100 मार्क्स तो तू निकाल लेगा बंदा, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 100 नंबर या 70 नंबर नहीं निकाल लेगा, 200 में से 7। भाई तुमको पता है जो कंप्यूटर साइंस लेते हैं इनकी फीस ज्यादा होती है 11वीं 12वीं में, और ये जो फीस 30-40 हजार 20 हजार जो भी 10-15 हजार जहां भी जितनी भी फीस लगती है ना, ये इसीलिए लगती है कि 200 में से इनको मार्क्स फुल देते हैं, 180-190 मार्क्स इनको मिलता है, इसलिए इनका परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है, कंप्यूटर साइंस वालों का हमेशा ज्यादा होता है परसेंटेज 12वीं में। तो ये लोग को ना 70 से ज्यादा, भाई 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरी बात वचन लिख के रख ले भाई, तू एकदम गधा रहेगा ना तो भी तेरे को 100 तो देंगे ही देंगे। नॉर्मल 140-150 सबको मिलता है, 70 तो मिल ही जाएगा, तो 35-35, 70-70, 140 तेरी एलिजिबिलिटी क्रॉस हो गई ना। ये कंप्यूटर साइंस वालों का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ऐसा ही है। अब तेरा मान ले आईटी था तो आईटी का भी मार्क्स जोड़ लेते कोई कोई, तो कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री के जगह में एलिजिबिलिटी बनाने के लिए, केमिस्ट्री में मान लो तेरा नहीं आया, 35 ही आ गया, तब तो नहीं होगा ना 135 या 120, तो इसीलिए केमिस्ट्री के जगह में वो इसका भी काउंटिंग कर लेते हैं एलिजिबिलिटी बनाने के लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट भी मैटर करते हैं। हाँ, लैंग्वेज नहीं आता है, समझ के रखना अच्छे से। तो ये तुम्हारा सब बच्चों का एलिजिबिलिटी क्रॉस होगा। अब जैसे कि मान लो कोई 135 है, किसी का 134 ही आया, तो बोलोगे भैया शिट यार मैं तो एक मार्क्स से चूक गया। नहीं, कोई टेंशन नहीं भाई, एक मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तुमको, वो 135 दे देंगे, बोलेंगे अरे एक मार्क्स के चक्कर में बेचारे की एलिजिबिलिटी क्यों कम करने का, ठीक है? समझा कि नहीं समझा? 45% तुम्हारे को बना देंगे और तुम पीसीबी में 45 मिल जाएगा, तुमको एडमिशन मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, हर बच्चे का एलिजिबिलिटी होगा कितना। अरे मैं बोल रहा हूँ 35-35 पास नहीं होगा क्या 12वीं? अब जो 12वीं फेल हो जाएगा वो तो कभी एलिजिबिलिटी में आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात, अब तू फेल ही हो जाएगा भाई। तब तो तू भाई भजन कर बैठ के, ए यो विठले देवा माउलिए आलिया गोलिया कैसा भगरी निरोपा, माला ज्यादा भजन नाही ये ते भैया। चलो ठीक है, तो जो फेल हो जाएगा वो भजन गाएगा। अब फेल ही हो जाएगा तो तेरे को क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत है, तू मजा कर वड़ा पाव बेचने का, वड़ा पाव वाले भी बहुत पैसा कमाते भाई, समझा गया? तो इस बात को ध्यान रखना। तो 35
तो लाओगे ही ना, कम से कम 35 तो लाओगे ना। तो केमिस्ट्री में अगर नहीं भी आया तो सीएस जिसका नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा या कुछ कोई और सब्जेक्ट तो रहेगा ना रे भाई, बायोलॉजी रहेगा ना, उसमें मान ले तूने 40-50-60, तो मतलब किसी किसी का एलिजिबिलिटी हो जाएगा, मोस्टली हो ही जाएगा। पीसीबी वालों को बस थोड़ा सा केमिस्ट्री में इसीलिए चेंजेस है, केमिस्ट्री में चेंजेस है, केमिस्ट्री क्योंकि सबको होता है और फिजिक्स हार्ड होता है, तो फिजिक्स में सबका 35 ही आता है, तो इसलिए केमिस्ट्री में ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ख्याल रखना, तो आप सबका इससे फायदा हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें मैं जो आपको बता रहा हूं, समझ गया एलिजिबिलिटी का फंडा। तो एलिजिबिलिटी में ये आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है, समझा। हर बच्चा पास होगा, मतलब आपको एक फैक्ट बताऊं क्या मैं, फैक्ट आपको पता है, आपका जो रिजल्ट है वो 30 मई के आसपास आएगा, 12वीं का जो रिजल्ट है वो 30 मई के आसपास आएगा, लेकिन जो आपका एमएसटी सीटी का पेपर है वो पेपर आपको 9 मई से शुरू हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट इतनी पागल तो है नहीं कि रिजल्ट बाद में देगी, एलिजिबिलिटी तो तब पता चलेगा, पेपर तो पहले ही हो जाएगा। तो इसीलिए क्या भरोसा क्या होता है, इसीलिए हर बच्चे को सीटी का पेपर देना ही है। महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे 12वीं साइंस के हैं, हर बच्चे को एमएसटी सीटी का फॉर्म भरना है। फॉर्म कब आएगा या कैसे भरना है, इसकी एक प्रॉपर वीडियो तुम्हारे प्रशांत भैया मस्त बना देंगे डिटेल में, तो आप उस फॉर्म को भर देना। कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, कब भरना है, वो सब मैं बताऊंगा, मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें सबको फॉर्म भर के सीटी का एग्जाम देना है, एलिजिबिलिटी रहे चाहे ना रहे, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो एग्जाम सीटी के बाद पता चलेगी। तब तक तुम्हारा मान लो एलिजिबिलिटी निकल गई, तब भी पछताओगे ना, फिर एक साल ड्रॉप लेना पड़ेगा ना, तब क्या करोगे। अरे भाई अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो 100-200-300 रुपए कुछ लगते हैं, ओपन कैटेगरी से हो तो कुछ 800 रुपए के आसपास फॉर्म भरने के लगते हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेती है वो फॉर्म भरने का। ठीक है, तो इतने लगते हैं, तो भर दो फॉर्म, क्या ही जाता है फॉर्म भरने में। जब भी फॉर्म आएगा मैं बताऊंगा, अभी शायद एलिजिबिलिटी फॉर्म भरने का आया नहीं ऑप्शन, आ गया रहेगा तो मैं चेक करके वीडियो बना दूंगा कल तक। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, हर बच्चे को फॉर्म भरने का है। अब बात आती है भैया सीईटी की प्रिपरेशन। तो सीईटी की प्रिपरेशन जो है, अब बच्चे बोलेंगे ना कि अरे यार हम लोग तो भाई पूरे साल भर 11वीं पढ़ा नहीं, 12वीं पढ़ा नहीं, हमारा क्या ही प्रिपरेशन होगा। देख बेटा, तू बोर्ड एग्जाम जो दिया है ना, बोर्ड एग्जाम तेरी और जो सीईटी एंट्रेंस है, इसमें धरती आसमान का फर्क है। बोर्ड एग्जाम में तुझे हर क्वेश्चन के आंसर डिटेल में लिखने पड़ते हैं, हो सकता है स्टेप को मार्क्स होते हैं, स्टेप नहीं आया मार्क्स नहीं मिलेगा। सीटी में कोई स्टेप नहीं लगता, कोई भी फॉर्मूला चेक नहीं करता, सिर्फ आंसर से मतलब है। आंसर तू कैसा भी निकाल, चाहे एड़ा तेड़ा घुमा के तुक्का मार, कुछ कर, कुछ भी कर, आंसर निकाल। आपको पता है मैथ्स के जो क्वेश्चन आप लोग ना ढाई ढाई पेज में करते हो ना, वो क्वेश्चन विद इन 45 सेकंड सॉल्व हो जाते हैं, इतना ट्रिक्स यूज होता है। केमिस्ट्री मैथ्स बायो के ये सब क्वेश्चन जो है तुरंत सॉल्व होते हैं, कैलकुलेशन फट से होता है, ये चीजें होती हैं गाइस। बस सीटी में तुम्हें लॉग टेबल नहीं मिलता, लॉग टेबल के बिना कैलकुलेशन करना होता है, ध्यान देना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो बोर्ड थोड़ा हार्ड हो जाता है, सीटी इजी पड़ जाता है। सीटी की पढ़ाई लास्ट के 2 महीने में ही बच्चे रगड़ के करते हैं, पूरे साल भर तो सब 11वीं 12वीं पढ़ते हैं, 11वीं में तो कोई पढ़ता ही नहीं है, 12वीं में आते हैं तो बोर्ड में लग जाते हैं, फिर उसके बाद सीटी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सीटी के लिए सब लोगों को, सब लोग 2 महीने में ही रगड़ के पढ़ते हैं। अब जो बंदा इस वक्त खुद को कंट्रोल कर लिया, नाना मामी मामा के यहाँ नहीं गया, घूमने भागने नहीं निकला, वो बंदा जिसने पढ़ लिया वो जीवन में सोच लो अच्छे कॉलेज में, टॉप कॉलेज में जाएगा। इंजीनियर तो बहुत भरे पड़े हैं, फालतू के कॉलेज से उठ के इंजीनियर 10-20 हजार रुपए कमाते, कोई इज्जत ही नहीं है। तो इंजीनियर तो बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन अच्छे इंजीनियर सिर्फ टॉप कॉलेजेस में मिलते हैं, जो अच्छा पढ़ाई करता है उसी को लाखों का पैकेज मिलता है। अब जो 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, सोचो ना यार, तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम्हारे पापा की साल भर की कमाई होगी 5 लाख, वो साल वो महीने का 5 लाख कमा रहा है, समझ रहे हो। तो ये होता है लेवल पढ़े लिखे लोगों का, यहां मिलते हैं पढ़े लिखे लोग, समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना, यहां पढ़ाई की ताकत दिखती है। तो बेटा पढ़ाई में एक ही चीज है, या तो धमाका मचा दे या तो फिर कुछ करी मत। ये फोड़ देगा ना तू तो बहुत अच्छा है, अब फोड़ा नहीं तो खत्म है। तो फिर एवरेज बंदे को कुछ औकात नहीं होती, जो एवरेज बच्चा होता है ना उसकी कोई औकात नहीं होती। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, लेकिन शुरुआत में टॉपर लड़का जो होता है, एकदम टॉपर बड़े कॉलेज में, वो 30-40 लाख का पैकेज उठाता है, और कोई एक दो लोग ही होते हैं ऐसे, सब नहीं कर पाते। जो देश चलता है ना वो मिडिल क्लास से चलता है, ध्यान रखना, जो एवरेज लोग होते हैं वो देश चलाते हैं। टॉपर तो एक ही है, दो ही है, ऐसा होता है। टॉपर लोग जिंदगी जीना नहीं जानते, ये बात ध्यान रखना।
मैं आपको बताऊं, मैं बैक बेंचर भी हूं और मैंने अपने कॉलेज में टॉप भी किया, स्कूल में टॉप किया था, अभी डिग्री लेवल कॉलेज में टॉप किया। तो ये सब जो चीजें होती ना, मैंने दोनों लाइफ देखी है। अब बैक बेंचर की जिंदगी जो है ना मजे में, और जो टॉपर की लाइफ है ना वो एकदम घुसी हुई लाइफ है, चुपचाप बिल में घुसे रहो और मेहनत करो, कमाओ धमाओ। तो ऐसा है, तो मैं तो बोलूंगा ना मस्ती बहुत करने का, इतनी मस्ती करने का ना टीचर तुमको डांटना मांगता है भाई, लेकिन पढ़ाई ऐसी करने का कि टीचर शाबाशी भी देना मांगता है। बंदा हो तो ऐसा है, तो मैं तो भाई मेरे को चिल मार के, मैं इंडिया ऐसा ना कि टॉप करना है या फिर बैग और मस्ती भी कर रही है। मैं भाई मस्ती क्यों ना करूं, मेरी जिंदगी चली जाए, मर भी गया किसी दिन तो पछतावा होगा मस्ती नहीं किया। तो फिर भाई फुल एकदम मस्ती से कोई है नहीं भाई, मस्ती अपनी मस्ती, आग लगे चाहे मस्ती में, प्रशांत भैया मस्ती में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो यार अब हम आपको एक बात बताते हैं कि यार हमने भी थोड़ा सा सुन लो, दो मिनट इतना सुने हो तो अचीवर्स बैच हमने भी लॉन्च की है। अब दो महीने में 11वीं 12वीं का भी सिलेबस तो पढ़ना पड़ता है पूरा, तो जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, अचीवर्स बैच हमने लॉन्च किया, जो कि महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज सारे टीचर्स इंजीनियर हैं, सारे के सारे टीचर्स जितने भी इस बैच में पढ़ाने वाले हैं सब बीटेक बीई मैकेनिकल सॉफ्टवेयर ये सब इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं सबके सब। ध्यान रखना ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे अचीवर्स बैच के अंदर, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और ये दो महीने का कोर्स होगा, इसके अंदर 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस एमसीक्यू बेस्ड पढ़ाई रहेगी, एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन टाइम को देखते हुए, ऐसा नहीं कि पूरा लेके भाई तुमको एक एक चीज पूरा पढ़ा देंगे फिर तो पूरा दो महीने में क्या 10 महीने में भी कवर नहीं होगा, 11वीं 12वीं पूरा पढ़ाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज 10,000 से ज्यादा, मतलब एमसीक्यू में ज्यादा फोकस रहेगा, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू पढ़ाए जाएंगे पूरे दो महीने के अंदर। दूसरी बात भाई 6 से 8 घंटे के लेक्चर डेली चलेंगे, टीचर अपनी खून पसीना एक कर देगा, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के दो दो सेशन, तीन तीन सेशन होंगे, दो दो घंटे के, दो दो ढाई ढाई घंटे के लेक्चर, लाइव लेक्चर रहेंगे। जो बच्चा लाइव लेक्चर मिस कर देगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर कभी भी एनी टाइम देख सकता है। डेली 3 टेस्ट होंगे, एकदम सीटी के पेपर पैटर्न के हिसाब से 50-50 मार्क्स के, तुमको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेगी जिसको तुम सॉल्व करोगे, समझ में आ रहा है। तो डाउट सॉल्विंग भी होगी, जैसे कि कोई डाउट आ गया तो तुम पूछ लोगे, तुमको बताया जाएगा। तो ये सब अचीवर्स बैच के अंदर मिलेगा दो महीने में। भाई महाराष्ट्र की सबसे टॉप बैच है ये, सोच लो इतना सारा चीजें मेहनत कोई टीचर कर ही नहीं सकता तुम्हारे लिए, 20,000 रुपए भरोगे ना तो भी इतना नहीं करेगा यार, हमारा खून पसीना एक। तुम थोड़ा एक बार मेरे एंड से सोचना, 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस इस दो महीने में करवाना, 10,000 MCQ तुम लोग 5 MCQ सॉल्व नहीं कर पाते हो, 10,000 MCQ हम करवा के देंगे डिटेल में मस्त समझा के, 6 से 8 घंटे के लेक्चर लाइव और रिकॉर्डेड, 3 टेस्ट, 3-3 टेस्ट डेली होंगे, टेस्ट के बिना सीटी क्रॉस नहीं कर सकता बेटा तू, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब 2 महीना ना तुमको रगड़ना है खुद को, दिन रात घर में पढ़ाई करनी है, बोर्ड गया भाड़ में, जैसा भी बोर्ड का परीक्षा गई छोड़ो उसको, अब सीटी में फोड़ना है भाई, सीटी में धमाका, जिस दिन लाखों का पैकेज लगेगा ना ऑल इंडिया महाराष्ट्र निकाल लोगे, AIR नहीं होता है, AMR निकाल लो, ऑल महाराष्ट्र रैंक निकाल लोगे जिस दिन, तो फिर बस भाई खत्म एकदम, तब तो फिर तुम एकदम आ जाना मिलने फिर मेरे से एक बार, बस क्या इतना तो कर ही सकते हो। तो हमने क्या किया है, अचीवर्स बैच को लॉन्च किया, देख लो अच्छे से एक बार, PCMB यहाँ पे, ये PCMB के लिए है, रुक जाओ अभी सबर करो सबके लिए बताऊंगा। तो ये 1999 सिर्फ 2,000 रुपए तुमको भरने, उसमें भी दो एक्चुअली बताऊं ना तो इसकी प्राइस 1,2,199 है, अगर तुम लोग NI 100 वहां पे, यहाँ पे रहता है NI 200, ये कूपन कोड मिलेगा तो ये 1,999 का हो जाएगा कोर्स और तुमको ये मिल जाएगा। 10 मार्च से हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, जिसका CSIT का पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है, वो छोटे मोटे पेपर है, उस दिन तुम लोग थोड़ा मत पढ़ना, गैप ले लेना, बाकी दिन पूरा पेपर आपका होगा। 1,999 में CET की प्रिपरेशन शुरू, क्योंकि 2 महीना है, हमें सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है। ये तो PCMB चारों सब्जेक्ट के लिए हो गया, अब जिस बच्चे को सिर्फ PCM देना है उसका क्या, तो हमने उसके लिए भी अचीवर्स बैच PCM के लिए निकाल दी, अचीवर्स बैच PCB के लिए निकाल दी। जिस बच्चे को सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट लेना है तो PCM केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए निकाल दी। तो जिस बच्चे को जो जो लेना है वो बच्चा अपना बढ़िया अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, उसको कोई समस्या की बात नहीं है, क्लियर है। ये सारी की सारी बैचेस आप लोग को हमारे न्यू इंटरनल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। अब देखो तुम पढ़ाई हमारे से 3 तरीके से कर सकते हो, हमारे ऐप में पढ़ सकते हो, ध्यान दो सिर्फ ऐप में पढ़ाई होगी ही इसकी,
ऐप में। अब जो ऐप है इसको तुम एंड्रॉइड वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जिसके पास आईफोन है वो आईफोन वाले भी देख सकते हैं, और हमारा लैपटॉप वेबसाइट लैपटॉप या फिर कंप्यूटर रहेगा उसमें भी देख सकते हो। चलो बताता हूं इन सब में कैसे देखोगे, दो मिनट का बस देख लो थोड़ा सा। देखो क्या है यहां पर, जरा समझना अच्छे से। देखो सबसे पहले तुम लोग को जो कैसे डाउनलोड करोगे, चलो पहले यह बता देता हूं। देखो तो सबसे पहले तुमको एक काम करना है, सबसे पहले यह काम करना है कि तुम सभी लोगों को, अगर तुम्हारा आईफोन है, ये आईफोन का विंडो है, मेरे पास आईफोन भी है तो मैंने सोचा छोटा ही आईफोन है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो तो अपने ऐप स्टोर में जाना है और ये माय इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड करने के बाद एक कोड देता हूं XPTUZ, चाहे स्मॉल में डालो चाहे कैपिटल डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो XPTUZ ये कोड आप लोग यूज कर लो, न्यू इंडियन एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। जितने भी बच्चे यहां पर एंड्रॉइड यूज करते हैं वो प्ले स्टोर में जाओ और न्यू इंडियन एरा सर्च करो और ये एप्लीकेशन आएगा, इसको डाउनलोड कर लो और बढ़िया अच्छे से तुम्हारे में चालू हो, तुमको कोई कोड नहीं डालना, डायरेक्टली चालू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे वेबसाइट में देखना है तो वो web.classplusapp.com में जाओ, तुम्हारा मोबाइल नंबर मांगेंगे तो मोबाइल नंबर डाल देना क्योंकि वो तो डालना ही पड़ेगा हर जगह। फिर एक कोड मांगेंगे ORG कोड, उसके जगह में XPTUZ डाल देना बढ़िया अच्छे से और तुम्हारा ज्वाइन हो जाएगा। तो सबके लिए बता दिया, चाहे तुम अगर तुम आईफोन में हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लो और XPTUZ कोड यूज कर लो, एंड्रॉइड है तो सीधा न्यू इंडियन एरा सर्च करो और तुमको ऐप मिलेगा, डाउनलोड कर लो सीधा यूज करना शुरू करो, कोई कोड नहीं लगेगा। अगर तुमको लैपटॉप और पीसी में देखना है तो web.classplusapp.com में जाओ और XPTUZ यूज करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बताता हूं, जब अंदर जाओगे ऐप के तो ऐसा दिखाई देता है, तो जब ऐसा दिखेगा तो ओपन कर लोगे। अब यहां देखो स्टोर दिख रहा है, स्टोर में जाओगे, कैसे तुमको बैच लेनी है, कैसे बैच में इनरोल करना है बता रहा हूं। तो स्टोर में जाओगे देखो यहाँ पे अचीवर्स बैच MST CET क्रैश कोर्स आपको दिख गया होगा यहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही वहां पर ये सारे भी दिख जाएंगे, PCM PCB मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, है ना, वहां पे नीचे लिखा रहेगा व्यू मोर, और नीचे खिसकाओगे ना तो व्यू मोर दिखेगा, वहीं पे पूरा बैचेस आपको दिख जाएंगे। पुराने जिंदगी बैच वगैरह मत ज्वाइन करना, कुछ बच्चे कहेंगे हम पहले से जिंदगी बैच में थे तो हमको मिलेगा, भाई इसमें इतनी मेहनत है, नया बैच है, सब क्यों लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये पूरा क्रैश कोर्स है, इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसमें क्लिक करोगे, अब देखो PCM PCB के लिए कोई ऑफर नहीं, 1600 ऑलरेडी हमने इतना कम कर दिया यार, 1500-1600 रुपए में पूरा पढ़ाएंगे दो महीना, कितना मेहनत है सोचो ना। तुम लोग इतने की पार्टी कपड़े, एक ना कुछ जीन्स का पैंट लेने जाते हो 1000 रुपए का आता है, सोचो ना यार, हम इतने में पढ़ा के दे रहे हैं। एक बार ऑफलाइन में जाके फीस पता कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखो कूपन कोड है, ये सिर्फ PCMB वालों बच्चों के लिए ही कूपन कोड लगेगा, बाकी सबको जितना प्राइस उतना वैसे भी कम करके दे दिया, 300 रुपए ऐसे ही कम कर दिया तुमको। तो PCMB में NI 200 यूज करोगे, ये जो प्राइस दिख रहा है सीधा 1999 देखो हो गया, ठीक है 1999 हो गया। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, और जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे ऐसे ऑप्शन आएंगे, UPI मतलब होता है कि गूगल पे फोन पे पेटीएम या वॉलेट से कर सकते हो, या फिर तुम लोग कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। देखो जो बच्चे बोलते हैं हमारे पास कैश में है लेकिन पैसा नहीं, आप किसी भी दूसरे बंदे से यहां तक पहुंच गए हो ना, तो किसी भी दूसरे बंदे से यहां पे आके बोलने का, भाई ये दे मेरा UPI ID के थ्रू एक पेमेंट मार दे, मैं तेरे को कैश देता हूं। UPI ID कौन होती, मेरी नहीं होती है, UPI ID जो बंदा पेमेंट करता है उसकी खुद की होती है। तो यहाँ पे UPI ID डालनी होती है, यहाँ पे UPI ID डालोगे, चाहे जीपे में डालो, फोन पे में, कहीं पर भी जो भी तुम्हारा रहेगा UPI ID डालो, और उसके फोन में पेमेंट का रिक्वेस्ट दिखेगा, वो वहां से अप्रूव कर देगा, पैसा कट जाएगा और तुमको बैच मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, पेमेंट किसी से भी करवा सकते हो, कोई वांदा नहीं भाई, पेमेंट किसी से भी करवा सकते हो, समझ रहे। लॉगिन तुम्हारे फोन नंबर से ना तुमको ही देखने मिलेगा। अब दुकान में जाते हो तुम लोग तो सामान तुम ले लो, पैसा कोई भी भर दे, क्या फर्क पड़ता है, सामान तो तुमको ही मिलेगा ना, तो बस यही चीज होती है। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम रही ना अगर, तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे 8850415084, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, मैं ही ये नंबर यूज करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहे बस भाई मैं तुम्हारे साथ जिंदा हूं। तो फाइनली ये वीडियो कैसी लगी गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और थोड़ा सा एक और प्रमोशन कर देता हूं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी यही है, इसको जाओ बढ़िया इसमें से फॉलो विलो मार लो। 45,000 फॉलोवर्स इस वक्त हो चुके हैं, इतने सारे बच्चे प्यार दिखा रहे हैं, तो 45,000 बच्चे इस वक्त देख रहे हैं अपने को इंस्टाग्राम के अंदर। तुम लोग भी जाओ प्रशांत अंडरस्कोर T9 यूज करो और मस्त एकदम स्टोरी विस्टोरी लगाओ, टैग भी करो बढ़िया एकदम अचीवर्स बैच ओपी इन द चैट, एकदम अचीवर्स बैच में फोड़ देंगे भाई। अचीवर्स बैच में सर्च में हर बच्चा टॉप करेगा, यहाँ पे हर टीचर इंजीनियर है डॉक्टर है, समझ के रखना अच्छे से, और हर बच्चा पढ़ेगा 2 महीने के इस क्रैश कोर्स में कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू के साथ, 11वीं 12वीं का सिलेबस सब कुछ तुमको बता दिया। कोई भी डाउट रहे तो बस एक बार व्हाट्सएप में पूछ लो, और एनआई ऐप के अंदर ही सिर्फ लेक्चर होंगे, यूट्यूब में सीटी के लेक्चर नहीं होंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो पढ़ते हैं गाइज, मिलते हैं 10 मार्च को शुरू हो जाएगा, लिमिटेड सीट से ध्यान रखना। तो मिलते हैं प्रिसिजन में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल लॉट, थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो एक बार, और जस्ट व्हाट्सएप मी, आस्क मी एनीथिंग, मैं खुद उस व्हाट्सएप का यूज करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।